Now next one, again example based on command line arguments. इस केस में देखा जाए तो directly आपको कहीं भी कोई command line arguments हो नहीं रहा, just लेकिन इस केस में use किया हूँ properties of command line arguments. Example के regarding बात करें, काफी interesting example है. Most of cases में कह रहा था आपको देखते ही ऐसा लगता this is invalid example of compile time errors. क्योंकि इस केस में just main के अंदर write down क्या किया main और इस type से just operations perform किया, आपको भी यही नहीं पता इस main के place पर क्या है, then इसका power क्या है, just इस केस में use किया हो रहा है फंक्शन नेम रेडीमेड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्ड एज पावर. ये पावर के किस में आर्गुमेंट में वैल्यूज के पास में इस टाइप का कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं. तो जस्ट इसके इससे रिलेटेड सारे सारे पॉइंट डिस्कस करें, देन फाइंड आउट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन केस. इस केस में परफेक्टली आउटपुट को गेस करना पॉसिबल है. अगर आपको याद हो फंक्शंस के केस में मैंने आपको एक्शन किया था, अगर आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते लाइक दैट वॉइड सम फंक्शन नेम एस एम वन और सप्लाई किया मैंने सिंपली एक्स, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में वेरिएबल का डेटा टाइप पास करना कंपलसरी था, ऑप्शनल ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट. इस केस में फंक्शन पैरामीटर के केस में अगर आपने वेरिएबल का डेटा टाइप स्किप किया देन बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर टाइप, सेम एज इन दैट केस. इस केस में जस्ट मैंने मेन के अंदर राइट डाउन क्या किया है, अगेन मेन वन मोर थिंग्स फंक्शन नेम एंड वेरिएबल नेम एग्जैक्टली सेम नेम प्रोवाइड करना पॉसिबल, मीन्स जिस नाम से आपके पास फंक्शन है सेम नेम से वेरिएबल्स भी क्रिएट करना पॉसिबल है. मीन्स इस केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इस केस में फंक्शन का नेम क्या है m1 और वेरिएबल का भी नेम क्या है ऑल्सो m1, लेकिन इस फंक्शन बॉडी में अगर आप कहीं भी m1 यूज करो तो m1 एक्ट करेगा, वर्क करेगा एक्ट्स लाइक वेरिएबल नेम. क्योंकि इस केस में हाइएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा, वेरिएबल नेम का. क्लियर, हाईएस्ट स्कोप किसका है, वेरिएबल नेम नॉट अ फंक्शन नेम. विद इन अ फंक्शन अगर आप सेम नाम से आप वेरिएबल्स क्रिएट करा दें, इसके इसमें हाईएस्ट पार्टी किसको मिलेगा, ऑलवेज वेरिएबल नेम. दिस इज द जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज. वन मोर थिंग, इसके साथ पावर फंक्शन को कॉल करने के रिस्पेक्ट में मैंने जस्ट इंक्लूड कराया है एपीआई, सॉरी इसके से इंक्लूड क्या किया है, जस्ट हेडर फाइल मैथ डॉट एच एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दैट एग्जांपल. वन मोर थिंग्स, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था इन केस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर आप कोई एक्सप्रेशन राइट डाउन करते लाइक दैट, तो इस केस में अगर आपने मल्टीपल एक्सप्रेशन पार्ट किए किसी भी फंक्शन में, बाय डिफॉल्ट पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होता है लास्ट एक्सप्रेशन, पहले लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होगा देन इट्स प्रीवियस. मीन्स एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स सारे के सारे प्रीवियस प्रॉपर्टीज केस में फॉलो करने की आपको नीड है. जैसे ऑलरेडी मैं इसके मीनिंग्स बता चुका हूँ. अगेन फर्स्ट वन, इस केस में मेन के केस में अगेन प्रोवाइड क्या किया मैंने इनसाइड मेन, तो इस केस में फर्स्ट केस में मेन क्या है एज अ फंक्शन नेम और सेकेंड केस में मेन क्या है एज अ वेरिएबल नेम. क्लियर, दूसरा केस अगर वेरिएबल के लिए कोई भी डेटा टाइप सप्लाई नहीं हो रहा देन उस केस में बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या हुआ ऑलवेज इंटीजर, देन इस केस में फाइनली इसका इंटरनल मीनिंग क्या है लाइक दैट वॉइड मेन, देन अगेन मेन के अंदर राइट डाउन किया था मेन, लेकिन इसका मेन का टाइप क्या हुआ इंटीजर मैन लाइक दैट. इस इसका बिहेवियर क्या है जस्ट लाइक दैट. तो इस केस में मैन क्या है वेरिएबल नेम. देन मैन के केस मैंने आपको बताया था सपोज दैट, इस केस में आपने कोई भी कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं किया है, मैन फंक्शन के अंदर फर्स्ट वेरिएबल नेम आप कुछ भी नेम यूज करो, वेरिएबल नेम कुछ भी, लेकिन डेटा टाइप क्या होना चाहिए इंटीजर, प्लस ए फर्स्ट आर्गुमेंट में ऑलवेज सप्लाई किया होता है नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट. सपोज दैट इस प्रोग्राम में मैंने कोई भी एक्सप्लिसिट कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं किया है, देन उस केस में भी एटलीस्ट पास किया हुआ नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नेम इस केस में काउंट होगा एज अ वन कमांड लाइन आर्गुमेंट. मीन किसी भी फंक्शन के मेन के केस में अगर आपने कोई भी कमांड लाइन आर्गुमेंट सप्लाई नहीं किया, फिर भी उस केस में जस्ट फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हुआ एटलीस्ट वन, तो इस केस में मेन जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो इंटरनली एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है या लोकल वेरिएबल विद इनिशियल वैल्यू वन. वन क्या रीजन समझ में आ रहा है इसका, क्योंकि इसके लिए मैंने करंटली कोई भी नेम सप्लाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें पास किया और नेम ऑफ द फाइल और फाइल नेम काउंट हुआ है वन आर्गुमेंट, इसलिए बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट इसका वैल्यू क्या हुआ वन. क्लियर, नेक्स्ट वन, अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है. प्रिंट एफ के अंदर सप्लाई किया जस्ट रिजल्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो इसके इसमें जस्ट एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड दिस इज द सेकंड ऑपरेंड, तो पहले सेकंड ऑपरेंड रिजोल्व करें. सेकंड ऑपरेंड के रिस्पेक्ट में जस्ट कॉल किया होगा पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन के केस में जस्ट चेक कर सकते हो कितने आर्गुमेंट पास हुए हैं, टू आर्गुमेंट वन टू. जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था अगर किसी भी फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट एक्सप्रेशन के फॉर्म में अवेलेबल है, तो इस केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होगा लास्ट, पहले लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होगा देन प्रीवियस. क्लियर, देन सेम है इस केस में सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करोगे फंक्शन आर्गुमेंट. राइट टू लेफ्ट के केस में ऑपरेशन का टाइप क्या, प्री और पोस्ट प्री, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करोगे जस्ट
करेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैन और मैन का करेंट वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट 2। देन अगेन फिर से लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करने का था, प्रीवियस एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो अगेन इसमें फाउंड क्या रहा, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट करंट वैल्यू क्या 2, इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 3। देन रिप्लेस क्या करेंगे करंट वैल्यू विच इज 3, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा जस्ट 3। तो फाइनल इस केस में कॉल क्या होगा नेक्स्ट टाइम पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन के अंदर सप्लाई क्या हो रहा है इनपुट्स में 3.2 इज सिमिलर टू 3 to the power 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा जस्ट 9। तो फाइनल इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा रिजल्ट एज 9, रिजल्ट इज 9, क्लियर। नेक्स्ट इसके जस्ट वाला परफॉर्म क्या हुआ कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट में जस्ट एक्सप्रेशन क्या है मैन प्लस इक्वल 9, रियल में यहाँ रखना है 9 अपने आप में क्या हुआ 9.0 रीजन। अगर आप इस फंक्शन पावर फंक्शन का रिटर्न टाइप चेक करो, पावर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है जस्ट डबल, तो इस केस में वैल्यू किस फॉर्म में आ चुका है डबल के फॉर्म में। तो फाइनल इस केस में सेकेंड आर्गुमेंट किस फॉर्म में डबल, और डबल वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे एज अ परसेंट एल एफ। लेकिन चेक करो इस केस में इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट देन जस्ट इसका कन्वर्जन क्या बताया था ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस केस में थोड़ा सा एनहांस करना चाहता हूँ, इस केस में रियल में क्या रहता है कन्वर्जन एक्चुअल मीनिंग सेम है, लेकिन इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट क्या आएगा जस्ट ए प्लस बी, क्लियर। लेकिन इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या होता है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, और इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग किसमें होगा जस्ट इसका रिजल्ट किसमें साइन हो रहा है लैपटॉप एंड क्या ए, तो ए का जो भी डेटा टाइप है वाट एवर सपोज दैट अगर ए का टाइप क्या है इंटीजर, तो इस प्लेस पर ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग किसमें हो जाएगा इस रिजल्ट का इंटीजर में, अगर ए का टाइप डबल होता है टाइप कास्टिंग किसमें हो जाएगा डबल में लाइक दैट। फाइनली इस प्लेस पर क्या आएगा जस्ट इसका एक्चुअल कन्वर्जन क्या टाइप ऑफ ए मीन्स व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ए लाइक दैट, सेम एज इन दैट केस, इस केस में मैन को कंसिडर कर लो ए और 9.0 को कंसिडर करेंगे जब बी, तो जस्ट इसका इंटरनल मीनिंग क्या रहेगा मैन इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग ऑफ मैन प्लस 9.0, मैन प्लस 9.0 प्लस टाइप कास्टिंग किसमें होगा वाट एवर टाइप ऑफ मैन, और मैन का बाई डिफॉल्ट टाइप क्या है जस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसके साथ मैन का टाइप क्या होगा दिस इज आर्गुमेंट काउंटर, और आर्गुमेंट काउंटर का टाइप क्या है जस्ट इंटीजर, तो इसके साथ टाइप कास्टिंग किसमें होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। देन मैन के प्लेस पर मैन का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और मैन का करंट वैल्यू क्या है जस्ट 3, 3 प्लस 9.0 फर्स्ट ऑपरेंड क्या है इंटीजर, सेकंड ऑपरेंड क्या है डबल, तो रिजल्ट क्या आएगा इसके इसमें जस्ट डबल। लेकिन इसके केस में अप्लाई किया हुआ टाइप कास्टिंग इंटू इंटीजर, तो फाइनली डबल वैल्यू टाइप कास्ट किस में जाएगा इंटीजर में, देन ये असाइन किस में हो रहा है वेरिएबल मैन में, और मैन का भी टाइप क्या है ऑल्सो इंटीजर, तो फाइनली मैन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके इसमें 12। देन जस्ट कंपाउंड असाइनमेंट फॉलो होने के बाद परफॉर्म क्या हुआ मीन्स असाइनमेंट होने के बाद जस्ट रिप्लेस क्या हुआ करंट वैल्यू ऑफ मैन, और मैन का करंट वैल्यू 12 है इसलिए फाइनली आउटपुट में डिस्प्ले क्या हो जाएगा रिजल्ट एज 12। मैन का डेटा टाइप क्या था इंटीजर, इसलिए डिस्प्ले किससे करा हुआ यूजिंग परसेंटेज, दिस द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल, क्लियर।